अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आमिर खत्री और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। एमएस एक्सेल के आज की क्लास में हम सीखेंगे लॉक अ सेल वंस डेटा इज एंटर्ड, यानी एक मर्तबा डेटा एंटर करने के बाद सेल लॉक हो जाए। कैसे होता है, आइए चलते हैं क्लास के। पेज को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वन प्रेस करें और फॉर्मेट सेल में आ जाए। वहां से प्रोटेक्शन में आके जो लॉक्ड लिखा हुआ है उस पर टिक होगी, उसको हटा दें और फिर ओके कर दें। उसके बाद शीट के नेम पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाएंगे और वहाँ पे हमने क्या करना है, जर्नल हटा के वर्कशीट कर देनी है और सिलेक्शन चेंज को चेंज में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद ये कोडिंग लिखनी है इसमें। ये कोडिंग लिखने के बाद हमने इस शीट को क्लोज कर देना है और फिर हमने चले जाना है रिव्यू पे। रिव्यू से प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो भी पासवर्ड हम देना चाहते हैं वो पासवर्ड देकर ओके कर देंगे। उसके बाद हम जो भी एंट्री इसमें लिखेंगे वो एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन उस एंट्री में एक मैजिक ये होगा कि वो एंट्री रिमूव नहीं हो पाएगी। वंस टाइम आप इंटर कर देंगे और उसके बाद उसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे आप इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे, आपसे प्रोटेक्शन के हिसाब से एक पासवर्ड मांगेगा जो आप इस शीट को पहले दे चुके हैं। एडिट करने के लिए सेम पासवर्ड आपने इंटर करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें।